हो जाएगा वो अच्छे के लिए। मॉडल देख के वैसे ही लग रहा है, मतलब तुम छोटे बच्चों के हिसाब से सोच के देखो ना, दे आर वेरी कंफर्टेबल विथ ओपन। एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा गया। व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अनदर व्लॉग ऑफ डिजाइन डेली। मैं आपका भाई वीर कोसरे। तो भाई आज है मेरे आर्किटेक्चर जूरी, और ये व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि मैं काफ़ी लाइक 4 महीने से इसके ऊपर काम कर रहा था, डिज़ाइन के ऊपर। सो ये व्लॉग होगा था डे इन द लाइफ ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट, और कैसे कि लाइक मेरी आज फाइनल जूरी है 3rd सेम की, और वो भी डिज़ाइन की। तो इनकी मैं भी एक्साइटेड हूँ, तो देखते हैं यार क्या होता है। मैं जल्दी जल्दी फ्रेश हुआ, तो अभी बज रहा है 8:00 लाइक 35 मिनट समथिंग कुछ ऐसा, मतलब 8:30 लगभग बज रहा है। तो मैं रेडी हो जाता हूँ, उठ जाता हूँ अच्छे से, मैं जस्ट अभी उठाऊँ सो के। तो हम लोग उठ जाते हैं, थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, नहा वहा लेते हैं और फिर वापस आके बैठते हैं ताकि हम लोग काम कर पाए। लेट्स गो। सो जस्ट कम्प्लीटेड, अब ब्रश वश कर लिया है हम लोग ने। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यार थोड़ा नाश्ता वास्ता कर ले, बट हमारी अभी तो लाइक घर पे डायरेक्ट सीधा खाना ही बन रहा है, तो चले बाहर जाके कुछ पोहा वोहा खा के आ जाए दोस्तों। लेट गए, हमारे छोटा भाई है, टकला मंडी चाय कर रहा हूँ। अरे 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 क्या देख रहा है भाई, भाई कौन सा नशा फुक्के हो, कौन सा माल फुक्के हो भाई। अरे 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 वाला तो होता पर नहीं भाई, इतने गुंडा मैंने लॉकडाउन लग लगा। मैं अपन 8 साल ना जाता था, मतलब एक काम कर दूर दूर तो जा। तो भाई हम लोग ने अभी सोचा कि हम लोग बाहर नहीं जाएंगे कहीं, और नाश्ता करने के भी टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी बजे है 9:10 कुछ हो गए, और हमको जल्दी जल्दी नाश्ता करना है और फिर हमको जूरी भी करना है। हेलो हेलो बोलो, हेलो 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 हेलो, टकला मंडी चाय गरम। हेलो 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 हेलो, नहा लिया अभी चकाचक से बिल्कुल, और अभी हम लोग को करना लाइक क्लास ज्वाइन फट से जिसे जितने जल्दी हो सके। ओके मेरे को एंट्री मिल गई थी, तो अभी अच्छे खासे लाइक लोग हैं यहाँ पे। इस मॉडल बनाया भाई ने, पीडीएफ बनाया, फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन देख रहा भाई इसका काम। तुम्हारे भाई का भी काम ठीक ही है, मतलब मैंने भी काम अच्छा ही किया है, ऐसे कोई ये नहीं। मैं अपना काम दिखाऊंगा तुम लोग को, उसकी जूरी चल रही है देखो, ये अपना काम है भाई। ये तो हम लोग ने डिजाइन ब्रीफ के लिए इंटरनेट से फ़ोटो उठाई है, बाकी ये सब हमको बनाना था। ये एरिया है, इसके बाद ये मैंने केस स्टडी की थी लिटिल वंडर स्कूल बांग्लादेश में, कॉन्सेप्ट जॉइनिंग की थी। भाई रोल कॉल हो रहा है, 2 मिनट रुक जाओ। परीक्षित मैम, प्रेजेंट मैम, रोहित माइक बनता है, प्रेजेंट मैम, सादर इट्स वेरी डिफिकल्ट जब आप लॉगिंग कर रहे थे आपने भाई, मैं ना कैमरा रख देता हूँ जो तो शॉर्ट्स अच्छे लगते हैं, बेसिकली मैं उसको ले लूँगा। और माइक बंद था, माइक बंद था, और आज गड़बड़ जा रही थी। अपना चांस है ठीक है, बेस्ट ऑफ मैम। इसमें स्क्रीन इज विजिबल, यस। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, दिस इज रोहित कोसरे साइड सर। बेसिकली तो मैंने केस स्टडी की थी लिटिल वंडर स्कूल बांग्लादेश की, बेसिकली मैं यहाँ से सीखा कि प्लानिंग के ऊपर जैसे स्टडी की है, तो उसमें स्पेसेस पे बहुत ध्यान दिया गया, लाइक वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मतलब स्पेशियस जगह थी जहाँ पे बच्चे थोड़े मतलब घूम सके, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो बेसिकली बहुत मतलब किंडर गार्डन है बेसिकली, बट ये स्कूल नहीं है, किंडर गार्डन है, बट तब भी इसको इतने अच्छे से लाइक बनाया गया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब स्पेशियस जगह थी
हर एक चीज़ को डिफाइन किया गया था, तो मैंने उसी चीज़ को थोड़ी मतलब अपने प्लानिंग में लाने की कोशिश की है। ठीक तो है। सर कॉन्सेप्ट एंड जोनी में बात करूँ तो सर मैंने मतलब जब प्लानिंग करने के जब स्टार्ट किया था तब मैंने ये चीज़ फेस की थी कि लाइक मैंने भी बचपन में बहुत सारी चीज़ें लाइक स्कूल में देखी है जो कि थोड़ी बहुत मुझे गलत लगती है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं थोड़ा अपने तरीके से डिज़ाइन करूँ प्लान करूँ, तो मैंने इसमें ये चीज़ डेवलप की है कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल्स में ऐसा होता है कि एक साथ ही लाइक प्रिंसिपल ऑफिस सब मतलब ऑफिस और क्लासरूम थोड़े मतलब मिल जाते हैं, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बच्चे कहीं ना कहीं लाइक उस टाइम बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होता है, या फिर लाइक बच्चों की जब क्लास होती है तो बार बार लाइक वो शाउट करते किसी चीज़ से चिल्लाते लाइक क्लासेस होती है, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है लाइक ऑफिस में भी या फिर ऑफिस के कारण क्लास में। तो मैंने सर कंप्यूटर रखो, फुल स्क्रीन रखो, दिख रहा है। ओके सर ओके, तो सर ग्राउंड फ्लोर पे मैंने प्रिंसिपल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह मतलब इस पूरे लाइन में डाल दिया है। हाँ अभी इसमें देखो, तुम्हारा जो कोटियाट सेग्रीगेशन जो किया है, तो उसमें ऐसा कुछ सोच के पॉइंट है क्या कि फर्स्ट सेकंड वाले पीछे रहेंगे, आगे रहेंगे, और थर्ड फोर्थ वाले कहाँ रहेंगे, वैसा कुछ सेग्रीगेशन है कि ऐसी चीज हो? नो सर, मैंने बेसिकली जो छोटे बच्चे फर्स्ट सेकंड वाले उनके भी सेक्शंस रहेंगे, तो फर्स्ट टू लाइक सेकंड तक लाइक फर्स्ट के दो सेक्शंस रहेंगे, और मतलब फर्स्ट टू थर्ड बच्चे वाले नीचे रहेंगे और बेसिकली फोर्थ क्लास वाले ऊपर रहेंगे। तो नहीं तो ये पॉइंट फिर भी कंपैरेटिवली मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पॉइंट थोड़ी ठीक है कि तुमने कोटेट लेवल पे उसको एक सेग्रीगेट किया है, और एक बार वंस दे क्लाइम अप टू ए लेवल, उसके बाद उनको और ज्यादा लेवल अपडाउन नहीं करना है इसमें, एंड एक सेग्रीगेशन के हिसाब से भी कुछ तो भी सोचा है तुमने इसमें। और ठीक है, बिल्कुल उसके बाद व्यूज एंड मॉडल्स दिखाओ मेरे को। सर, एक्चुअली मैं मॉडल नहीं क्रिएट किया बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, बट मैंने उसको स्केचअप में लाइक बनाया मॉडल। हाँ दिखाओ। सर ये मेरा मतलब फ्रंट एलिवेशन, बैक एलिवेशन, राइट एलिवेशन, नीचे और नीचे ये मेरे सेक्शंस है, एंड दिस इज द व्यूज, और बेसिकली ये मेरा मॉडल है। चलो ठीक है, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक नेक्स्ट यू सर। करना। भाई यस मैम। एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा गया, क्योंकि मैं तुमको बताता हूँ इसकी स्टोरी। 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को थोड़ा पानी पीने दो, मैं तुमको इसकी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपेक्टेशन से अच्छा गया। और ये चीज सुन के जाना यार, मतलब मेरी चीज ऐसी थी कि ये डिजाइन मेरा लाइक जुलाई से कुछ चालू हुआ था ना, जुलाई से, लेकिन ये जो प्रोसेस थी ये कुछ नवंबर तक चली थी, जहाँ पे हमारी क्लास डिसऑर्गेनाइज तरीके से चल रही थी। ये चीज सही में सुनो, ये मेरे को चीज से मैं आप लोग से भी डिस्कस करनी थी। तो डिसऑर्गेनाइज मतलब हमारी क्लास होती थी नहीं होती थी, या फिर हमारे हम लाइक जैसे कि मैम ने शायद, मैंने शायद ये रिकॉर्ड नहीं किया होगा, बट एक मतलब स्टूडेंट से कोई मतलब पूछा, मतलब मैम ने खुद बताया कि ऑनलाइन होने की वजह से उतना चीज़ नहीं हो पाई। भाई हर एक ग्रुप में अलग मेंटर्स अलॉट किए जाते हैं, बट हमारे मेंटर्स में पर्सन देखो, अगर से मेरे कोई कॉलेज में देख रहा है तो आई थिंक सो कि ये मैसेज उन तक जाए, क्योंकि ये चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे मेंटर ने ऐसे चीज़ के लाइक यार हमारे मतलब मैं पर्सनल तो मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है, लाइक बहुत बार ऐसा होता था कि मेरा सही में नेटवर्क इशू होता था, और उनको लगता था कि मैं नाटक कर रहा हूँ, और शायद मैंने अपने कुछ व्लॉग्स में डाला भी था कि यार देखो प्रॉब्लम होता है कभी कभी नेटवर्क। मैं सर को प्रेजेंट सर बोला था, मैंने एक व्लॉग में डाला भी था, बट सर को आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो ये चीज़ होती है, बट मेंटर्स उसको समझ के लेते नहीं है, लाइक आप मतलब वो कैसे करते कि और गुस्सा करते और गुस्सा करते, और भाई हम भी बच्चे हैं, हमको भी चिड़चिड़ होता है, सच्ची में चिड़चिड़ होता है। तो हम लोग कभी कभी तो मैं गुस्से में एक दो क्लास किया भी नहीं, मतलब कोशिश किया कि करूँ, बट हर क्लास में टॉन्ट मारना चिल्लाना वो चीज़ मेरे को नहीं पसंद आती थी, तो मैंने क्लास नहीं की कुछ। देन उसके बाद एक बार ऐसा हो गया कि भाई मैं क्लास कर रहा हूँ, क्लास में मेरा माइक ही चालू नहीं हो रहा है, मैं सर को बोल रहा हूँ सर मेरा माइक प्रॉपर यूज़ नहीं, मतलब नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। सर बोलते हैं कि नाटक कर रहे हो। अब हुआ क्या कि अब मैं काफ़ी बार मैंने क्लिक कर दिया माइक पे, अब गलती शायद वो नेटवर्क लैग करने से बाद में चालू, और मैं ऐसे बैठा हूँ, मैं बोलो कि अब तो क्लास चल ही नहीं रही, क्या करूँ, मेरे को नहीं दिखना है, क्लास नहीं समझ रहा सर का, तो मैंने गाना गाना चालू कर दिया, और वो गाना रिकॉर्ड हुआ क्लास में, है ना। अब मैं सर मेरे को बोले कि बेटा अब तेरा नेट कैसे चल रहा है, तो मेरे को क्लास के बाहर निकाल दिया था, ऐसा ऐसा कुछ सीन हो गया था, तो सर ने फिर खुद ही क्लास बंद कर दिए थे।
मैं भी क्लास के बाहर था कुछ दिन, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हुई है मेरे साथ, मैंने खुद फेस किया। और फिर आखिरी भाई मैंने काम किया यार, मैंने खुद ये सब जो चीजें जो हुई है ना, लाइक मैं बता रहा हूँ जो जो सर ने मेरे को ड्रॉबैक्स बताया कि हाँ आपने मतलब सोचे हो, लाइक अच्छा प्लानिंग किया आपने, मतलब इसके ऊपर सोचे, बट ये सब चीजें हुई। इवन तो कि भाई एक्चुअली क्या होता है आर्किटेक्चर में, आप अपना प्लान फाइनल करने से पहले आप अपने मेंटर को दिखाते हो। मैंने अपने मेंटर को दिखाया था बट ही डजंट रिप्लाई मी, उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, उन्होंने सीन करके छोड़ दिया भाई, बताया ही नहीं कि करना क्या है। सेक्शन एलिवेशन कुछ कुछ भी नहीं पढ़ाया। इवन तो कि मुझे मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बट इन सब चीज़ों में मेरे को मेरी दोस्त है नंदनी, उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की इसको लेके, तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट उसको भी ज़्यादा है कि मतलब यार काम किया है यार, काम दिखता है यार, है ना। तो देखो अब आपके साथ भी अगर से प्रॉब्लम होती है तो अपने सीनियर से सीख लो काम, क्योंकि ज़्यादा कॉलेज वालों पे डिपेंड मत रहो, मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कॉलेज वाले होते हैं ये मतलब यार ठीक है एक लेवल तक के आपका साथ, हमेशा ये सब देखो कोविड में तो मैं बता रहा हूँ एक साल अब मेरे को ऑलमोस्ट हो गया, बट मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने आर्किटेक्चर में आके अभी एक साल में कुछ नहीं सीखा है। मैंने खुद अपनी स्किल्स डेवलप की, सॉफ्टवेयर खुद सीखे, मैं खुद साइट पर मतलब मैंने खुद अभी प्रैक्टिकली साइट पे काम करना चालू कर दिया एज एन इंटर्न। मैंने लॉकडाउन में कुछ काम किया बट अभी मैं एक दो मतलब छोटी मोटी साइट में खुद कर रहा हूँ। तो मैं ये सब चीज़ आपको दिखाऊंगा, लाइक शायद मैं आज साइट विजिट पर जा सकता हूँ जो लाइक मैंने पर्टिकुलर जिस पे मैंने काम किया। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है यार कि बहुत डिस्टर्बिंग होता है, बहुत रिग्रेट फील होता है कि यार आपके जब मेंटर्स आपका साथ नहीं देते यार, वो भी खुद लाइक आप समझना चाहिए यार कि अगर आप पढ़ा रहे हो ना तो बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर जब मैं भी डिजाइन टेली में आप लोगों को कॉन्टेंट देता हूँ तो मैं भी कॉन्टेंट बनाने के प्रोसेस पर क्या बच्चे को समझ में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है समझता है ऑनलाइन है, बट इतना भी ऑनलाइन को तुम मत लो ना यार, लाइक कि मतलब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना भी ऑनलाइन को मत लो कि ऑनलाइन है तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, तो इनको ज़्यादा ही क्यों एफर्ट डाले यार। कोशिश हम भी करते हैं, मतलब हर बच्चा कोशिश करता है कि वो समझे, क्योंकि हर बच्चा अपना अच्छा जाता है। अगर से हर ऐसा इंजीनियरिंग वाली फील्ड नहीं है ना कि इंजीनियरिंग में है और आप लोग एज एन लाइक इंजीनियरिंग में तो मतलब पूरा थियोरेटिकल पार्ट होता है तो आप लोग कुछ भी कर लोगे, ऐसा ये चीज़ होती नहीं भाई। आप लोग आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में लाइक सब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ होती है, तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो अभी उस पर ध्यान मतलब मैं अभी दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ मैंने समझ गया कि मेरे को खुद से काम करने का है बहुत। और सो फार सो गुड, हमारा बहुत अच्छा हो गया, ग्रेट सक्सेस। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लाइक फोर्थ सेम का भी डिज़ाइन स्टार्ट हो गया, उस पर काम करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा खाना खा लेता हूँ और थोड़ा मैं क्लास भी अटेंड कर लेता हूँ बाकी होके भी, क्योंकि सीखने काफ़ी मिलता है सबके प्रेजेंटेशन से कि कैसे लाइक प्रेजेंट किया सब चीज़ें। थोड़ा सा नर्वस मैं था क्योंकि मेरा काम बहुत मतलब मेरा काम भी थोड़ा इनकम्प्लीट था, और मैं अपने काम से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था, बट मुझे जितना आता था मैंने अपना पूरा 100% दिया। और मैं शायद अगर से मुझे थोड़ा बहुत और टाइम मिलता तो मैं खुद से ही और अच्छा कर सकता था, बट नो वे। चलो ठीक है, देखते हैं क्या हुआ चीज़ें। तो सो फार सो गुड हम लोग ने किया, सो थोड़ा खा लेते फिर उसके बाद बात करते, ठीक है। तो गाइस जैसे अभी क्रिकेट खेला, लाइक मैं बीच का नहीं पार्ट दिखाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम लोग ने लाइक वो क्लास बहुत लंबी चली थी, लाइक वो जूरी जो थी कम से कम वो 3:30 बजे तक कुछ चली, उसके बाद मैं पता नहीं सो रहा था थोड़ा, उसके बाद मैं उठा डायरेक्ट क्रिकेट खेलने चलेगा। तो बिकॉज मतलब इतने दिन के बाद ब्लॉगिंग करता ना तो मैं भूल गया था यार कि लाइक मेरे को ना ब्लॉगिंग भी करनी है, फिर मेरे को याद आया। तो फिर मैंने क्रिकेट खेलते हुए कुछ शॉर्ट ली जो आप लोगों ने देखे होंगे, और मतलब टाइम लैप्स थोड़ा बहुत किया, और अभी मैं घर वापस आया। तो अभी थोड़ा हाथ मुँह हाथ मुँह धो लेते हैं उसके बाद, और फिर बस मेरी फिर बाकी रूटीन तो रहती है कि लाइक मुझे थोड़ा काम करना आता है मेरे लाइक स्टार्टअप को लेके, जो मतलब डिज़ाइन दे लिए और कुछ और चीज़ें जो मैं बैकएंड में करता हूँ। और अगर आपको मेरे बारे में और जानने का, लाइक मैं और क्या करता हूँ, और लाइक मुझसे थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँ कि आप मुझसे कुछ सीखे ब्लॉगिंग में, इसलिए लाइक मैंने लाइक एक प्रॉमिस किया था मेरे वीर को चैनल पे कि मैं बहुत जल्दी कुछ कुछ कंटेंट लाऊंगा। तो वही कंटेंट एक ब्लॉगिंग के द्वारा लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग मैं डेली चालू करने वाला हूँ, जो कि होगा वीर कोसले चैनल पे, जो कि कल से मैं स्टार्ट करना वाला। तो आई होप सो कि आपको मेरा रूटीन और मैं जो चीज़ें करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा भी मिस मतलब वो हो गया है, डिसऑर्गेनाइज हो गया है मेरा थोड़ा शेड्यूल, तो उस शेड्यूल को सुधारूंगा मैं लाइक। तो आप बहुत चेंजेस देखेंगे शायद, तो आप भी रिलेक्ट कर पाएंगे अगर से आप कॉलेज स्टूडेंट है तो। यार मैं वो लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर से कोई स्टूडेंट है लाइक जो 12th में, वो अभी फ़िलहाल ये सब चीज़ें नहीं देखो क्योंकि ये थोड़ा एडिक्टिव चीज़ें होती है ये ब्लॉगिंग डेली डेली देखना, तो इससे कहीं का आपका टाइम पास होगा। बट बाकी जो है लोग देख सकते हैं, अपना प्यार दिखाओ कमेंट में, और ज़रूर भाई उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जैसे आप मुझे इस चैनल में प्यार दे रहे हो
आई होप सो कि आप मुझे उसमें भी प्यार दोगे। सो यही कुछ होता है यार एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट के लाइफ में, जब उसके पास कुछ काम नहीं होता बट एक छोटा मोटा थोड़ा सा आ जाती है ज्यूरी तो हम लोग दे देते और थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर लेते हैं यार। मतलब आई होप सो कि लाइक इस सेम में मैं किसी के भरोसे पे नहीं बैठने वाला, चाहे फिर वो कोई भी मेंटर हो, मैं खुद अपना पूरा 100% दूंगा। मैं अभी खुद बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ और अभी मैं कोशिश करूँगा कि मुझे ना लाइक मैं किसी पर डिपेंड नहीं रहूँगा, मैं खुद से काम कर लूँगा। बट थोड़ा बहुत जो होता है सपोर्ट वो चाहता हूँ बस, तो दैट्स इट। देखते क्या होता है, सब तक लव यू गाइज एंड ऐसे प्यार दो। सो तब तक वीर को सेंटिंग साइनिंग ऑफ।